नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सीक्रेट नॉलेज में। आज मैं आप लोगों के सामने दुनिया की कुछ ऐसी जगह लेके आया हूँ जिनको देखने के बाद आप वहाँ जरूर जाना चाहेंगे। इन जगहों को देखने के बाद आपको एहसास होगा केवल दुनिया में सात अजूबे नहीं, प्रकृति भी कई अजूबे अपने पास रखती है। आइए चलते हैं इस सफर में। द रेनबो माउंटेन्स, ये दुनिया के सबसे खूबसूरत माउंटेन्स हैं। इनमें अलग अलग रंगों से मिलके बने माउंटेन्स रेनबो का शेप लेते हैं। ये माउंटेन्स साल में केवल 8 महीने दिखते हैं। 17,000 फीट की ऊंचाई वाले इस दुर्लभ दृश्य को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आने का जोखिम उठाते हैं। इतनी ऊंचाई में ऑक्सीजन की कमी और हार्ट पेल्पिटेशन जैसी बीमारियों का ही सामना टूरिस्ट को करना पड़ता है। परंतु जब लोग माउंट एवरेस्ट में पीछे नहीं हटते तो ये लोगों के लिए आम बात है। इन माउंटेन्स को देखने के बाद आपको मानो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने पहाड़ों में एक अलग अलग कलर की चादरों को बिछा दिया हो। ये अपने आप में बहुत दुर्लभ दृश्य है। अगर मौका मिले तो एक बार इस सुंदर जगह में जाने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। द नॉर्दर्न लाइट्स, आपने अपने जीवन में बहुत से लाइट शो देखे होंगे और उसमें डांस भी किया होगा, परंतु ये लाइट शो खुद कुदरत करती है। ये कुदरत का ऐसा करिश्मा है जिसमें दुनिया भर के लोग देखने आते हैं। दरअसल ये कारनामा पृथ्वी में मौजूद गैस पार्टिकल और सूर्य के एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स के टकराने की वजह से एक अलग प्रकार की लाइट निकलती है। इसे देखने के बाद आप सच में सात अजूबों को भूल जाएंगे। आपको यहाँ पता चलेगा कि केवल हम इंसानों ने अजूबे नहीं बनाए हैं, कुदरत के बनाए हुए अजूबे की कोई मिसाल नहीं होती है। इसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद आप ये कहना बंद कर देंगे कि हवाओं को हमने नहीं देखा है। रात के वक्त चल रही हवाओं में अलग अलग रंगों को देख करके आपको एहसास होगा कि दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां हवाओं का भी अपना रंग होता है। एंटीलोप कैनियन, एरिजोना में मौजूद एंटीलोप कैनियन, ये जगह किसी पेंटिंग की तरह है। ये एक ऐसा दृश्य है जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि दुनिया सचमुच अजीब है। नवाजो सैंडस्टोन में कटाव से हुए इस विचित्र निर्माण को देखने के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। इसमें घूमते वक्त ऐसा लगता है जैसे आप किसी इंसान के द्वारा बनाई गई पेंटिंग के बीच घूम रहे हैं। इसके रंग और बनावट लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ मौजूद एंटीलोप्स की वजह से यहाँ का नाम एंटीलोप कैनियन रखा गया है। यहाँ अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाते ये पहाड़ अलग अलग रंगों से किसी मनमोहक दृश्य से कम नहीं। ऐसी जगह का लुत्फ जरूर उठाना चाहिए। वेटामो कीट्स, हम सब अपने घरों में कीड़ों से परेशान होते हैं, परंतु क्या आप सोच सकते हैं इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां इन कीड़ों को देखने के लिए विदेश से लोग आते हैं। जी हाँ, न्यूजीलैंड के ये ग्लोवॉर्म्स जब भी भूखे होते हैं तो एक अलग प्रकार की रोशनी निकालते हैं। इन गुफाओं में जाने से ऐसा लगता है जैसे हमारे सिर में तारे टिमटिमा रहे हों। ये दृश्य अपने आप में इतना दुर्लभ है कि इसे देखने के लिए लोग देश विदेश से यात्रा करके यहाँ आते हैं। और करें भी क्यों ना, जब आपको पृथ्वी में ही स्वर्ग की अनुभूति मिल रही हो तो आप जरूर देखने जाएंगे। ये दृश्य अपने आप में आपको मनमोहक कर देगा, इसलिए कीड़ों को भी कम नहीं समझना चाहिए, उन्हें भी अजूबे दिखाने आते हैं। पिलर माउंटेन्स, चाइना में मौजूद इन पिलर्स को देखने में मानो ऐसा लगता है जैसे हम कोई 3D मूवी देख रहे हों। यहाँ मौजूद ये बड़े बड़े माउंटेन्स पिलर जिनकी ऊंचाई 200 मीटर से भी ज़्यादा है, इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। हम सब ने अवतार मूवी तो जरूर देखी होगी। अवतार मूवी जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन मूवी में से एक है, उसको प्रेरणा
इन्हीं माउंटेन्स को देख के ही मिली थी। ये अपने आप में प्रकृति का एक नायाब करिश्मा है, जिसका लुफ्त एक बार जीवन में अवश्य उठाना चाहिए, और दुनिया भर के लोग इसे देखने के लिए आते भी हैं। इसे द गेट ऑफ हेवन भी कहा जाता है, और यहाँ पे मौजूद रोपवे की मदद से लोग इस दुर्लभ दृश्य का लुफ्त उठाते हैं। आइस केव्स। हम सब ने इग्लो को देखा या पढ़ा है, परंतु आइलैंड नामक एक छोटे से देश में यहाँ बर्फ की गुफा है। 320 फीट लंबी ये गुफा केवल और केवल बर्फ से बनी है। इस गुफा को देखने के बाद आपको ऐसा नज़ारा मिलेगा जिसे इस जीवन में भुलाया नहीं जा सकता। ये गुफा बर्फ की बनी होने की वजह से ये सफ़ेद और नीले रंग की दिखाई देती है। ये गुफा अपने आप में किसी स्वर्ग से कम नहीं, परंतु इतनी ठंड होने के कारण यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहा जा सकता। दुनिया अलग अलग अजूबों से भरी हुई है, लेकिन हम नहीं जान पाते हैं। मैं आपको ऐसे ही अजूबों की हर दिन सैर कराता रहूँगा। दुनिया के कुछ नायाब कलाकृति जिसे खुद प्रकृति बनाती है, उन्हें मैंने दिखाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हम ऐसी ही नायाब चीज़ों को लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।